प्रिय छात्रों, आज के व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम इकाई 6 अध्याय 9.3 में नियुक्तिकरण एवं उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसके पूर्व हमने भर्ती के बारे में जाना था, भर्ती क्या होती है, भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है। उसके पश्चात जो है, जो भर्ती किए गए कर्मचारी हैं उनमें से उन कर्मचारियों को कार्य विशेष के लिए चयनित करना, अर्थात चयन। यहाँ हम जानेंगे कि चयन क्या कहलाता है। बेसिकल चयन से जो आशय है कि किसी कार्य विशेष के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करना, वो चयन करना कहलाता है। ये कार्य जो है, ये संगठन का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि एक संस्था की कार्य कुशलता और सफलता उस संस्था के उस उपक्रम में उपस्थित कर्मचारियों के कार्य के आधार पर निर्भर होता है। तो बहुत अति आवश्यक है कि जब भी कर्मचारियों को रखा जाए तो ये ध्यान में रखा जाए कि संगठन के कार्य के अनुरूप उन व्यक्तियों का चयन किया जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि चयन की परिभाषा क्या है, चयन क्या कहलाता है, और वहीं हम जानेंगे कि जो चयन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की, साथ ही चयन जो किया जाता है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, और साथ ही हम देखेंगे भर्ती और चयन में क्या अंतर है। तो हमारे सामने परिभाषा है चयन से अर्थ, चयन के आशय जो है बड़ी संख्या में रिक्त पद में संभावित उम्मीदवारों में से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को पहचानने तथा खोजने की प्रक्रिया है। एक उपक्रम में जब बहुत सारे लोग वहां पर कार्य, उपक्रम में जो रिक्त पद या खाली पद है उन रिक्त और खाली पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को पहचानना तथा उन्हें खोजकर उन्हें उपयुक्त कार्य में लगाना, अर्थात किसी कार्य विशेष के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चुनाव करने की प्रक्रिया से संबंधित है चयन। अब यहां हम देखते हैं कि यदि रिक्त पदों पर या कार्य विशेष पर हमने उस कार्य के अनुरूप कर्मचारी का चयन नहीं किया तो हमें क्या होता, संस्था को हानि उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो कर्मचारी उस कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर सकता। तो एक संस्था की जो सफलता है वो बहुत हद तक, बहुत सीमा तक कर्मचारियों की कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि उपक्रम में बेहतर कर्मचारी हों, उनकी कार्य कुशलता बेहतर हो। तो इसके लिए सबसे जरूरी आवश्यक चीज़ है कि जो चयन है वो पर्याप्त जांच पड़ताल व गहन विचार विमर्श के बाद ही करना चाहिए, अर्थात जिन कर्मचारियों का हम चयन कर रहे हैं कार्य विशेष के लिए, उन्हें नियुक्त कर रहे हैं, उनकी प्रॉपरली जांच पड़ताल कर लें, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनका कार्य अनुभव, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, इन सब बातों पर उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन सब के बारे में बहुत गहनता के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही उनका चयन करना चाहिए। तो यहाँ पर कुंट जो ओ डैनल के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा दी है कि प्रबंधकीय चयन विभिन्न प्रार्थियों में से रिक्त पदों के लिए उपयुक्त आवेदकों का तार्किक चुनाव करना है, अर्थात प्रबंधकीय चयन जो है, कर्मचारियों का जो चयन है, विभिन्न प्रार्थियों ने जिन्हों आवेदन किया है उन्होंने के आवेदन के आधार पर जो है उनका तार्किक चुनाव करना। तार्किक चुनाव से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो आवेदक हैं हमारे पास वो वास्तव में उस कार्य के अनुरूप हैं। तो ये आशय है चयन से, चयन
क्या कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं चयन की प्रक्रिया। एक उपक्रम में जब कर्मचारियों का चयन किया जाता है तो सबसे पहले हम रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर हमें कितने कर्मचारियों को रखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। रिक्त पद की जानकारी रिक्त पद की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम ये देखते हैं कि उपक्रम के अंदर कितने कर्मचारी हैं जो उस पद के योग्य हैं। यदि नहीं है तो फिर हम आउटसोर्सेस से बाहर से उनको अपने उपक्रम के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक जो भी हमारे पास आवेदक हैं उनकी हम प्रारंभिक जांच करते हैं, और यदि वो योग्य हैं तभी हम उनसे आवेदन पत्र भरवाते हैं। खासतौर पर हम जैसे पुलिस की भर्ती में देखते हैं, पुलिस या आर्मी की भर्ती में, यहां पर पहले उनकी जो है शारीरिक जांच की जाती है, शारीरिक जांच होती है। अब यदि वो यहां पर शारीरिक रूप से फिट हैं, जो संस्था की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से शारीरिक रूप से यदि वो पुष्ट है तो उसके बाद उनसे आवेदन पत्र भरवाया जाता है। उपयुक्त होने पर आवेदन भरवाया जाता है, आवेदन प्राप्त करना, तो ये कहलाती है प्रारंभिक जांच। दूसरा बिंदु जो आता है आवेदन पत्र भरवाना। तो ये दूसरी स्थिति है, यहां पर चयन के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम आवेदन भरवाते हैं। इस आवेदन में जो है प्रार्थी का नाम, उसकी उम्र, शिक्षा, कार्य अनुभव, विशिष्ट योग्यता, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के माध्यम से हम उसकी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। अब हम इन जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं हमें, इन आवेदनों को हम उसकी जांच करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, और पद के अनुरूप उन आवेदनों को हम क्या करते हैं, छांट लेते हैं, अलग अलग हम उनको छांट लेते हैं। साथ ही ये देखते हैं यहाँ पर कि जो आवेदन की शर्तें थी उन शर्तों के अनुरूप उपयुक्त आवेदन है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से हम आवेदन पत्र को भरवाते हैं, उनका जिसमें नाम, शिक्षा, कार्य अनुभव, विशिष्ट योग्यता, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि जानकारी होती है। इसके बाद हम उसमें से जो उपयुक्त आवेदन है उनको हम छांट लेते हैं, अर्थात जो शर्त के अनुरूप है। तीसरी बात आती है हमारे सामने यहां पर, परीक्षा लेना, रिटन या ओरल एग्जाम। ये चार प्रकार से लिया जाता है, विशिष्ट योग्यता परीक्षा, लिखित परीक्षा और मनोवैज्ञानिक या बुद्धिमत्ता परीक्षा, और चौथा जो है वो अभिरुचि परीक्षा। तो यहाँ पर विशिष्ट योग्यता परीक्षा, यहाँ पर जो है एक कर्मचारी की कार्य विशेष योग्यता की परीक्षा ली जाती है, अर्थात जो कार्य उससे कराया जाना है वो उस कार्य के लिए योग्य है अथवा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए यदि ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन, इससे हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनवाएंगे, यदि टाइपराइटर की जरूरत है टाइपराइटर के लिए टाइप करवा के देखेंगे मैटर। अर्थात जिस प्रकार का जो कार्य है उस प्रकार के कार्य के लिए जो है हमें उसकी विशिष्ट योग्यता की हम परीक्षा लेते हैं।
दूसरी बात बिंदु आता है जो है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो है ये कर्मचारी की मानसिक योग्यता की जांच करने के लिए लिखित परीक्षा ली जाती है। अर्थात वो व्यक्ति या वो आवेदक जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है उस पद से जुड़े हुए विषय को वो कितना जानता है या कितना समझता है। तो इसके माध्यम से अभ्यर्थी की जो है भाषा शैली, लिपि, सजगता आदि की जांच की जाती है। तो दूसरा जो है वो लिखित परीक्षा की जाती है। तीसरा जो है मनोवैज्ञानिक व बुद्धिमत्ता की परीक्षा। मनोवैज्ञानिक एवं बुद्धिमत्ता की परीक्षा है वो इसलिए की जाती है कि जो आवेदक है वो मानसिक रूप से कितना सजग है, परिपक्वता कितना वो परिपक्व है, बुद्धि उसकी क्षमता कितनी है, निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, अभिरुचि किस कार्य में उसकी रुचि है। और बुद्धिमत्ता परीक्षा में, यहाँ पर बुद्धिमत्ता परीक्षा में हम ये देखते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति मतलब चीज़ों को याद रखने की उसकी शक्ति कितनी है, तर्क शक्ति किसी बारे में विचार विमर्श करने की, अपनी बात रखने की कितनी उसमें क्षमता है, साथ ही सीखने की क्षमता उसमें कितनी है आदि के बारे में उससे जानकारी यहाँ पर ली जाती है। तो दूसरी जो तीसरी प्रकार की यहाँ पर जो है परीक्षा वो मनोवैज्ञानिक एवं बुद्धिमत्ता परीक्षा। चौथा बिंदु जो है इसमें अभिरुचि परीक्षा। यहाँ पर आवेदक को कार्य विशेष में लगाकर उसकी रुचि को जाना जाता है। यहाँ पर जो है आवेदक को जो कार्य सौंपा जाना है उस कार्य में उसको लगाया जाता है, उससे वो कार्य कराया जाता है। उसके पश्चात उसकी रुचि यहाँ पर देखी जाती है कि वो उस कार्य को कितनी रुचि के साथ कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, या कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने जो देखा कि परीक्षा जो है ये तीसरा बिंदु है चयन का। यहाँ पर परीक्षा के रूप में हम विशिष्ट योग्यता परीक्षा के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक व बुद्धिमत्ता परीक्षा के नाम से और अभिरुचि परीक्षा के द्वारा जो है हम उस चौथा बिंदु हमारे सामने है साक्षात्कार का, जिसको हम जनरली इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। इंटरव्यू तो साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की बौद्धिक ज्ञान, सतर्कता, भौतिक शक्ति, व्यक्तित्व का आकर्षण आदि के बारे में जाना जाता है। एक उपक्रम में जब भी हम इंटरव्यू कॉल करते हैं, अभ्यर्थियों को बुलाते हैं, तो उनकी सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, व्यक्तित्व का आकर्षण देखते हैं कि व्यक्ति का चलने का ढंग किस प्रकार का है, बात करने का ढंग किस प्रकार का है, उसका बैठने का ढंग किस प्रकार का। फिर इंटरव्यू के दौरान उसके बौद्धिक ज्ञान की जानकारी लेते हैं, विषय से संबंधित उसको कितना नॉलेज है इसके बारे में हम तरह तरह के प्रश्नों के माध्यम से, उसके उत्तर के माध्यम से हम जानते हैं। फिर सतर्कता की बात करें हम, तो वो कितना अवेयर है अपने आसपास के वातावरण के प्रति, वो कितना उपक्रम के बारे में जानता है, इन सब चीज़ों के बारे में उससे सतर्कता से संबंधित कुछ प्रश्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से जो है हम अभ्यर्थी की बौद्धिक ज्ञान, सतर्कता, उसकी भौतिक शक्ति, उसके व्यक्तित्व के आकर्षण के बारे में हम जानते हैं। और ये जो साक्षात्कार होता है ये मुख्य रूप से उच्च अधिकारी या बोर्ड के सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। जो भी इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है, जो उपक्रम के, तो ये जो है यहाँ पर जो साक्षात्कार इंटरव्यू लिए जाते हैं वो अधिकारियों या बोर्ड के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। अब प्रारंभिक तौर पर जब बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं और एक एक करके एक एक का इंटरव्यू लेना आसान नहीं होता, तब यहाँ पर हम समूह साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। समूह साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को
बिठाल लिया जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर अभ्यर्थी बैठ जाते हैं और इनसे यहाँ पर जो है मुख्य जो शीर्षस्थ अधिकारी है वो उनसे एक एक करके प्रश्न करता है और उनसे जवाब प्राप्त करता है। तो ये ग्रुप यहाँ पर ग्रुप इंटरव्यू हो गया। एक और दूसरा बिंदु जो है समूह तर्क परीक्षण। समूह तर्क परीक्षण से यहाँ पर आशा है कि किसी सब्जेक्ट को किसी विषय को उन ग्रुपों में दे दिया जाता है और वे लोग आपस में बैठकर उस विषय के बारे में चर्चा करते हैं और दूसरे केबिन पर यहाँ पर बैठा हुआ जो अधिकारी है ये अपना कैमरे के माध्यम से स्क्रीन पर इन लोगों की डिस्कशन के बारे में जानता है, सुनता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप डिस्कशन है ये आपका ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में यहाँ पर जो है यहाँ पर एक कमरे में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको बिठाल दिया जाता है और उनको किसी विषय के बारे में उनसे चर्चा करने उनसे बोल दिया जाता है। इससे जो है उनकी वैचारिक स्पष्टता, जिस सब्जेक्ट के बारे में उनसे कहा गया बोलने के लिए उसकी वैचारिक समझ, बात करने की जो पहल शक्ति है, साथ ही बौद्धिक योग्यता आदि का जो उसका मूल्यांकन है वो यहाँ पर बैठे उच्च अधिकारियों द्वारा देखा जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है साक्षात्कार जो है तीन प्रकार से लिया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से एक एक करके, दूसरा समूह साक्षात्कार के रूप में और तीसरा ग्रुप डिस्कशन के रूप में हम यहाँ पर इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा बिंदु हमारे पास आता है वो है संदर्भ जांच। अब चयनित या उपयुक्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं की पुष्टि की जाती है। जो भी अभी तक चयनित या उपयुक्त अभ्यर्थी जिनको हमने चयनित किया है उनके जो आवेदन पत्र में जो उनके द्वारा जानकारी प्रदान की गई है, मतलब आवेदन की शर्त के अनुसार वो उपयुक्त उनका नाम, पता, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी उम्र, उनका कार्य अनुभव और भी उनके संबंध में जो भी जानकारी आवेदन में है उन सब की पुष्टि की जाती है कि उसके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सत्य है अथवा नहीं। इस आशय से आवेदकों के द्वारा एक घोषणा पत्र भी भरवाया जाता है लास्ट में कि जिसमें आवेदक ये प्रमाणित करता है कि जो भी आवेदन में सूचना मेरे द्वारा दी गई है वो मेरे अनुसार सत्य एवं सही है। और साथ ही यहाँ पर हम उनके चरित्र आदि के बारे में जांच करते हैं। यदि कहीं वो कर्मचारी पहले किसी उपक्रम में, अन्य उपक्रम में कार्य कर रहा था तो उसका वहाँ पर करैक्टर किस प्रकार का था, इन सब के बारे में हम उसकी जांच करते हैं। संदर्भ जांच के बाद आता है बिंदु प्रबंध अनुमोदन। प्रबंध अनुमोदन से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो संचालक मंडल की समिति है या उच्च शीर्षस्थ अधिकारियों की समिति है उनके द्वारा जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सफल हुए हैं उनकी सूचना की पुष्टि होने पर उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना, अर्थात जो भी उपयुक्त चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी एक सूची बनाकर जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाती है और उनसे अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात शारीरिक परीक्षण। यहाँ पर जो है आवेदक से उसके स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र मंगवाया जाता है, उसकी डॉक्टरी जांच करवाई जाती है और शारीरिक रूप से कार्य योग्य। तो इस यहाँ पर जो है शारीरिक पक्ष परीक्षण के लिए उससे स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र मंगवाया जाता है और अंत में यहाँ पर कार्य पर उसको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है जिसमें कंपनी के बारे में जानकारी होती है और साथ ही उसको जो है उच्च अधिकारियों से और कर्मचारियों से परिचित कराया जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर चयन की जो ये विधि है या प्रक्रिया है जिसमें हमने देखा
सबसे पहले हम प्रारंभिक जांच करते हैं, जांच में उपयुक्त पाए जाने के पश्चात हम उनसे आवेदन पत्र भरवाते हैं, आवेदन पत्र भरवाने के पश्चात हम लिखित परीक्षा आयोजित करते हैं। लिखित परीक्षा जो है उसकी मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, लिखित और प्रवृत्ति, अभिरुचि आदि इन सबसे संबंधित परीक्षा हो सकती है। उसके पश्चात जो है उसकी साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लिखित परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको इंटरव्यू में बुलवाया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है या ग्रुप इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें सफल होने के पश्चात जो उम्मीदवार के द्वारा, आवेदक के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसके संदर्भों की जाँच की जाती है। फिर जाँच होने के उपरांत जो है उस प्रक्रिया को अनुमोदन हेतु उच्च अधिकारियों के पास प्रेषित किया जाता है और वहाँ से पुष्टि होने के पश्चात उसके शारीरिक परीक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मंगवाए जाते हैं और अंत में उसको कार्य पर नियुक्ति प्रदान। अब ये जो चयन की प्रक्रिया हम अपनाते हैं इसके कुछ निश्चित सिद्धांत हैं या आवश्यक तत्व जिनको हम कहेंगे कि चयन की प्रक्रिया के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस प्रकार से चयन होना चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु जो आता है कि सक्षम व्यक्तियों द्वारा चयन। यहाँ सक्षम व्यक्ति कौन है? जो शीर्षस्थ स्तर के उच्च अधिकारी हैं तो उनके द्वारा चयन किया जाना चाहिए। दूसरा है निर्धारित प्रमाप पद के अनुसार कर्मचारी के चयन के प्रमाप निर्धारित करना, अर्थात पद के अनुरूप जो मापदंड हैं उनको पहले हमें निर्धारित कर लेना कि इस प्रकार के कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है। तीसरी बात आती है चयन करते समय हमें उपयुक्त स्रोत कौन सा है, किस स्रोत से हम कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे, उनका चयन करेंगे। तो दोनों प्रकार से हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है या बाह्य हो सकता है। आंतरिक स्रोत में जो है उपक्रम के अंदर कर्मचारियों को पदोन्नत करके किया जा सकता है, साथ ही असमायोजित जो कर्मचारी हैं उनको समायोजित करके किया जा सकता है, या विभाग में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कर्मचारी हैं तो उनको उनका स्थानांतरण करके किया जा सकता है। वहीं बाह्य स्रोत में हम विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से, विज्ञापन से या विभिन्न रोजगार एजेंसियों के माध्यम से जो है हम कर्मचारियों का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये चयन करना है कि स्रोत कौन से होंगे, आंतरिक या बाह्य होंगे। फिर चौथा बिंदु जो है पद के अनुरूप। अब यहाँ पर जो मापदंड है जो यहाँ हम निर्धारित करते हैं वो विभिन्न पदों पर समान ना होकर अलग अलग होना चाहिए। जिस हिसाब से पद है उस हिसाब से अलग अलग उनका जो है मापदंड यहाँ पर निर्धारित होना चाहिए। फिर उसके बाद है सभी आयामों पर विचार। सभी आयामों से विचार से तात्पर्य यहाँ पर है कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, कार्य रुचि, स्वास्थ्य, विवेक, अनुभव उसका, उसकी निर्णय लेने की क्षमता ये किस प्रकार की है, इन सभी बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए। फिर योग्यता प्रमुख आधार, यहाँ पर जो है कर्मचारी की योग्यता को महत्व दिया जाता है। और अंतिम जो है बगैर पक्षपात के निष्पक्ष रूप से चयन करना, किसी सिफारिश को ध्यान में न देना या यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करते हुए जो संगठन के लिए उपयुक्त कर्मचारी हैं उन्हीं का यहाँ पर निष्पक्ष रूप से चयन करना। तो ये है चयन के सिद्धांत या उसके जो है आवश्यक तत्व। अंतिम बिंदु हमारे पर यहाँ पर हमारे सामने है भर्ती व चयन में अंतर। भर्ती व चयन में अंतर।
यहां पर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं विधि की। तो भर्ती जो होती है, भर्ती की विधि क्या होती है, उपक्रम के अंदर बाहर व्यक्तियों की पहचान करके की जाती है। उपक्रम के अंदर जो व्यक्ति हैं या उपक्रम के जो बाहर व्यक्ति हैं उनको हम पहचान कर उनको सीधा हम भर्ती कर लेते हैं, जबकि चयन में हम परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से तार्किक आधार पर चुनाव करके उनको हम उनका चयन करते हैं। फिर स्तर की बात करें हम, तो यहाँ पर भर्ती में जो है निम्न स्तरीय व अकुशल कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि भर्ती एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया होती है। जब बहुत अधिक मात्रा में हमें कर्मचारियों की श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो निचले स्तर पर जो है एक उपक्रम में कार्य करवाने के लिए कर्मचारियों के लिए हम जो स्तर है इसका ये निम्न स्तरीय व अकुशल कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि चयन ये बौद्धिक स्तर से जुड़ा होता है, उच्च स्तर का कार्य होता है इसमें, इसलिए प्रायः उच्च स्तरीय व मध्य स्तरीय स्थान हेतु प्रयुक्त होता है, जैसे विभागीय प्रबंधक या महाप्रबंधक या मैनेजर या थोड़ा जो है द्वितीय श्रेणी तक के जो कर्मचारी हैं उन सबके लिए ये चयन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। फिर स्रोत की बात करें हम, तो इसके स्रोत जो है बाह्य स्रोत में ये रोजगार कार्यालय विज्ञापन आदि के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जबकि चयन हेतु रोजगार कार्यालय की सहायता यहाँ पर नहीं ली जाती। फिर आधार की बात करें हम, तो भर्ती के बाद चयन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जो है पहले हम भर्ती करते हैं, उसके बाद विशेष कर्मचारियों को हम चयनित करते हैं, उनको अलग से छांटते हैं। तो भर्ती के बाद चयन की प्रक्रिया होती है, जबकि चयन जो है वह नियुक्ति का अधिकार है, आधार है। चयन जो है नियुक्ति का क्या है, आधार है, बेस है। इसके बाद अगला बिंदु हम देखेंगे साक्षात्कार। भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें साक्षात्कार आवश्यक नहीं है। जो उसके आवश्यक प्रपत्र हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता या उसके कार्य अनुभव, जो भी मुख्य सामान्य सी चीजें हैं उसको हम देखकर जो है आवेदन लेकर कर सकते हैं, इसमें साक्षात्कार आवश्यक नहीं है। जबकि चयन में इंटरव्यू साक्षात्कार क्या है, आवश्यक है। फिर पदोन्नति की बात करें यहाँ हम, तो कर्मचारियों को पदोन्नत करके भी भर्ती की जा सकती है। एक उपक्रम के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं यदि ऊपर के पद रिक्त हैं तो उन पदों पर हम निचले कर्मचारियों को पदोन्नत करके भर्ती की प्रक्रिया को यहाँ अपना सकते हैं। तो जबकि चयन जो है नियुक्ति हेतु किया जाता है, यहाँ पर जो कार्य विशेष के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नियुक्त करना वो चयन है। फिर संख्या, भर्ती में आवेदकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि चयन में आवेदकों की संख्या कम होती है। इसके बाद प्रेरित या अनुमोदन, भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेजने हेतु प्रेरित किया जाता है। यहाँ आवेदक को जो है भर्ती में सम्मिलित होने के लिए उसको आवेदन पत्र भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है प्राप्त आवेदकों से उपयुक्त प्रार्थी को नियुक्ति देने का अनुमोदन किया जाता है। अर्थात जो आवेदन हमारे पास आए हैं उसमें जो उपयुक्त अभ्यर्थी है उसको अनुमोदित करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रकार से ये भर्ती और जो चयन में अंतर थे। इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। चयन से क्या आशय है, परिभाषा दीजिए। चयन के आवश्यक सिद्धांतों को लिखिए, साथ ही चयन प्रक्रिया की आवश्यकता को बताते हुए उसकी प्रक्रिया को समझाइए। जो भी आपने बताया मैंने आपको, प्रारंभिक जांच करना, आवेदन पत्र भरना, लिखित परीक्षा लेना, साथ ही साक्षात्कार इंटरव्यू लेना, ये प्रक्रिया जो है चयन की प्रक्रिया, और अंतिम जो है भर्ती व चयन में अंतर आपको स्पष्ट करना।